दोस्तों इस वीडियो को यदि आप नहीं देखते हैं तो बहुत ज्यादा पछताते हैं। सिम कार्ड अपने नाम पे कैसे करें? बहुत बड़ा सवाल आता है जब सिम कार्ड अपने नाम पे नहीं होती है। यानी हम आपको बता दें कि जब आपका उम्र कम रहता है तो आप अपने पेरेंट्स के नाम पे, जैसे पिता के नाम पे, भाई के नाम पे सिम कार्ड ले लेते हैं, या अपने किसी रिश्तेदार के नाम पे सिम कार्ड ले लेते हैं। लेकिन बाद में आपकी उम्र जब हो जाती है तो आपको ज़रूरत पड़ती है अपने नाम सिम कराना, या कभी कभी आप किसी भी रिलेशन्स वाले के आईडी पे सिम कार्ड ले लेते हैं, उस टाइम आपके पास आधार कार्ड नहीं होता है और अपने नाम पे कराना चाहते हैं, तो दो तरीके से सिम कार्ड आपके नाम पे हो जाएगा। यदि आपके नाम पे सिम कार्ड नहीं है, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया, दो तरीका है आपको अपने नाम पे सिम कार्ड करवाना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि जब सिम कार्ड अपने नाम पे नहीं करवाते हैं और वो सिम कार्ड बंद हो जाता है, तब वही डॉक्यूमेंट्स लगता है जिसके नाम से सिम कार्ड ओपन होता है। तो ये बहुत बड़ी भयंकर जो है प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है। तो अपने नाम पे करा लेते हैं तो आपके पास आईडी है, तुरंत उसी नंबर को निकलवा लेंगे, बंद होगा, खोएगा, चोरी होगा सब। तो देखिए, अपने नाम पे करवाने का पहला ऑप्शन आता है यदि आपके पास जिस कंपनी का सिम कार्ड है, एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन, आइडिया है, तो उसी कंपनी में आप अपना सिम कार्ड ले सकते हैं और उसी कंपनी का वही नंबर आप अपने नाम पे करवा सकते हैं। उसके लिए एक प्रीपेड होता है, एक पोस्टपेड। जितने भी यूजर्स लमसम में हम लोग जैसे हैं, वो सारे यूजर्स प्रीपेड यूजर्स हैं। तो पोस्टपेड में जाने के लिए होता है कि पोस्टपेड में रिचार्ज करवाना होता है, बिल पे रिचार्ज, जैसे कि कश्मीर के लोग पोस्टपेड सिम यूज करते हैं। तो उस कंडीशंस में आपको दिक्कत होगा पोस्टपेड कराना है, वरना कराते हैं तो कंपनी रिकमेंड करती है कि आपके नाम पे नहीं है तो पोस्टपेड करा लीजिए, हम आपका आईडी ओरिजिनल लगाएंगे और आपके नाम पे सिम कार्ड कर देंगे। तो आप समझ गए, जिस भी ऑपरेटर में प्रीपेड सिम कार्ड है, पोस्टपेड कराएंगे तो आपके नाम पे हो जाएगा। लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं, मुझे प्रीपेड ही चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए एक दूसरा ऑप्शन से सिम कार्ड पोर्ट कराना। बिल्कुल जी हाँ, 2024 में भी आप सिम कार्ड पोर्ट कराकर अपने नाम पे सिम कार्ड करा लेते हैं, क्योंकि जब पोर्टिंग मैसेज आप उस नंबर से सेंड करते हैं कंपनी को, तो ये कि यूपीसी कोड आता है और उस यूपीसी कोड के माध्यम से आप अपना आधार कार्ड लगाएंगे, ओरिजिनल आधार कार्ड लगाएंगे और आपके नाम सिम कार्ड 2 से 3 दिन में कर दिया जाएगा, पुराना सिम कार्ड बंद होगा। लेकिन इसके लिए आपको, जैसे कि एयरटेल है तो जियो में जाना पड़ेगा, जियो है तो एयरटेल में जाना पड़ेगा, कंपनी चेंज करना पड़ेगा, और इतना तो काम करना पड़ेगा प्रीपेड में आने के लिए, वरना कोई चांस नहीं है। तो सपोज दैट, आपको मैं टिप्स भी बताता हूँ, उस कंपनी में आप प्रीपेड पोस्टपेड कर मतलब दूसरे कंपनी में जियो से एयरटेल में आ गए और 90 दिन बाद आपको एक मौका फिर मिलता है कि 90 दिन बाद फिर से आप उसी कंपनी में जा सकते हैं। तो 90 दिन आप इंतज़ार करिएगा, फिर से उसी कंपनी में अपना आईडी लगाकर पोर्ट कराकर जा सकते हैं। तो सिम कार्ड अपने नाम पे चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं आसानी से और अपना सिम कार्ड बना सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, लोगों को शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।